आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लड़ाई तो बीजेपी और जेडीयू से लड़ रहे हैं, लेकिन मुश्किलें एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान की बढ़ रही हैं। इससे निजात पाने के लिए पासवान खुद कुशवाहा को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में बनाए रखने की पैरवी कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनके पुत्र चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एकजुटता का इजहार करते हुए कुशवाहा को नसीहत दे रहे हैं। मुझे लगता है हमारा गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है। उपेंद्र कुशवाहा जी को लेकर जरूर कभी कभी कुछ बातें सामने आती हैं और मुझे भी थोड़ा सा इस बात का एतराज़ है, जिस तरीके से उपेंद्र जी गठबंधन के बाहर ज़्यादा बातें करते हैं और गठबंधन के भीतर अपने विचारों को कम रखते हैं। मुझे लगता है कि यही कारण है कि विपक्ष के लोगों को टीका टिप्पणी करने का मौका मिलता है। मैं पुनः आग्रह करूंगा उपेंद्र जी से। खबर है कि पासवान ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से टेलीफोन पर बातचीत की है। उन्होंने अमित शाह से कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए में बनाए रखने का उपाय करना चाहिए। उनका दूसरे गठबंधन में जाना एनडीए की चुनावी संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है। पासवान ने शाह को समझाया है कि उपेंद्र कुशवाहा की कुशवाहा बिरादरी पर मजबूत पकड़ है। पासवान से शाह सहमत हुए। उनका कहना था कि उपेंद्र ने बिना मतलब विवाद पैदा किया है। अब समझिए कि पासवान की उलझन क्या है। वो हाजीपुर से चुनाव लड़ते हैं, इस बार खुद नहीं लड़ेंगे, कोई लड़े। ये पासवान के लिए प्रतिष्ठा की सीट बनी रहेगी। हाजीपुर में कुशवाहा वोटरों की तादाद निर्णायक है, उन पर उपेंद्र की पकड़ से इनकार नहीं किया जा सकता है। गणित यही है कि उपेंद्र महागठबंधन में गए तो कुशवाहा वोटर भी खिसक जाएंगे। ये हाजीपुर में एलजेपी को मुश्किल में डालने वाली बात है। हाजीपुर ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा फैक्टर समस्तीपुर में रामविलास पासवान के अनुज रामचंद्र पासवान को भी परेशान कर देगा। उस क्षेत्र में भी कुशवाहा वोटरों की अच्छी संख्या है। 2014 के चुनाव में मोदी लहर के बावजूद रामचंद्र पासवान किसी तरह जीत पाए थे। वोट का मार्जिन 6000 से कम था। कुशवाहा वोटरों की नाराजगी की हालत में समस्तीपुर से रामचंद्र की जीत भी आसान नहीं होगी। एक तर्क ये हो सकता है कि कुशवाहा अगर गए भी तो उससे होने वाली क्षति की भरपाई जेडीयू के वोटों से हो जाएगी। दोनों सीटों पर एलजेपी और जेडीयू का समर्थन इस बार बोनस में मिल जाएगा। तर्क में दम तो दिखता है, फिर भी रामविलास पासवान कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। एक आकलन और भी है, वो ये कि कुशवाहा के एनडीए से अलग होने की हालत में एलजेपी को होने वाले फायदे का। उम्मीद है कि आरएलएसपी कोटे की सीटें एलजेपी को मिल जाएंगी, लेकिन कुशवाहा के अलग होने से जो माहौल बनेगा वो किसी को भी परेशान कर सकता है। लेकिन एक तरफ जहां रामविलास पासवान सब ठीक करने में जुटे हैं, तो वहीं उनके सुपुत्र सीधे सीधे कुशवाहा को नसीहत दे रहे हैं। ऐसे में कुशवाहा की दो टूक यही है कि वो एनडीए में बने रहना चाहते हैं, लेकिन बेइज्जत होकर काम नहीं कर सकते। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी और जेडीयू के कुछ नेता नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने। मैं चाहता हूं कि आगे भी प्रधानमंत्री जी उस कुर्सी पर बने रहे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अपमान सहकर, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के लोग बेइज्जत सहकर इस काम को नहीं कर पाए। जो पटना में बैठे हुए लोग हैं, एनडीए में कुछ लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में भी है और जेडीयू में है, लोग नहीं चाहते हैं कि अगला प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का नरेंद्र मोदी बने। भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ लोग नहीं चाहते हैं और जनता दल यूनाइटेड के भी कुछ लोग नहीं चाहते। एक तरफ कुशवाहा के तेवर और दूसरी तरफ पासवान का दाव। ऐसे में पल पल बदलती बिहार की सियासी तस्वीर में आखिरी बाजी कौन मारता है, ये देखना दिलचस्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।